अग्निश डागा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कॉटन ग्रुप से, मुंबई से जुड़ रहे हैं आप। मनोज जी, मनीष जी आपका स्वागत है। नमस्कार। मनीष जी, ग्लोबल क्या स्थिति है, भारत का प्रोडक्शन है वो किस तरह से आपको लग रहा है कि डामाडोल हो रहा है, क्या भारत कॉटन में सेल्फ सफिशिएंट की स्थिति से क्या हम हट जाएंगे, क्या चूक जाएंगे उससे? जी, पहले आपने ग्लोबल का पूछा, तो विश्व भर में कपास की उपज में कमी आई है। आप देखेंगे हर बड़ा जो देश है, जो कपास का उत्पादक है, चाहे अमेरिका हो, तो कहाँ 17.5 मिलियन बेल्स का लास्ट ईयर का उनका प्रोडक्शन, कहाँ इस साल का प्रोजेक्शन ही 15.5 था और अब उन्होंने 12.75 कर दिया है। तो इतना ज्यादा रिडक्शन यूएसडीए को भी करना पड़ा है, वो करना चाहते नहीं थे, लेकिन क्रॉप ही इतनी कम है कि उसको छुपा नहीं पाए वो, और उसको कम करना पड़ा। तो सिमिलरली ब्राजील में प्रोडक्शन कम है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम है, और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की स्थिति, ब्राजील में कितना कम है सर? ब्राजील में करीबन 2 से 2.5 मिलियन कम होगा सर। और पाकिस्तान की स्थिति? पाकिस्तान में 1.5 से 2 मिलियन कम होगा, बिकॉज अभी उधर फ्लड्स चल रहे हैं और वहां भी परिस्थिति अच्छी नहीं है। कपास का ग्रोथ स्टंटेड है, हाइट बढ़ नहीं रही है, और सेप्टेम्बर में उनका अरेवल का टाइम है, उस पीरियड पे आना मतलब रोगों को न्योता देने वाली बात है। लेकिन भारत में तो जो हमारा जो जो कहते हैं सोइंग एरिया वो तो बढ़ गया था। जी सर, बड़ा है, और यही बातें शुरू में हो रही थी जब मुझसे अप्रैल मई में पूछा जा रहा था, तब सब बहुत अपबीट थे कि 20 से 30% सोइंग बढ़ जाएगा इंडिया का। तभी भी मैंने कहा था 5% लोअर साइड में, 10% अपर साइड में, इससे ऊपर बढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे सब चैलेंजेस बहुत है। तो अपना बहुत ज्यादा एरिया ऑलरेडी कॉटन के उत्पादन में है, 125 लाख हेक्टर कोई छोटी बात नहीं है, चाइना से ये 4 गुना है, तो ये एक ऑलरेडी हाईएस्ट साइड पे है। दूसरी बात ये कि कपास के एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, जो डिजीजेस आ रहे हैं और जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट आ रहे हैं, उसके लिए हम उतने जागरूक नहीं है जितने होने चाहिए। हमें लगता है कि वो कैसे भी कपास रिजेक्ट क्रॉप है, फेस कर लेगा और कैसे भी निकल जाएगा। किसान कपास को छुपा के रखता है, आज नहीं तो कल वो लेके आएगा, लेकिन लास्ट ईयर जब 20% से सप्लाई कम हुआ, हम दिसंबर जनवरी से बोल रहे थे, क्योंकि हम उत्पादक से जुड़े हुए हैं, कॉटन गुरु के फैमिली में 1 लाख किसान डायरेक्ट नेटवर्क में है, तो हम कंटिन्यूस बोल रहे थे कि सर इतना क्रॉप इस साल नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सब ये बोल रहे थे कि सब शुरू में रोते हैं, शेयर आया, बाकी शेयर आता नहीं, और लास्ट ईयर वो शेयर आ गया। तो इसीलिए इतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो गई, एक्सचेंजेस में वॉलेटिलिटी हो गई, और ये बात इस लेवल पे खत्म नहीं हुई। एक कितना बड़ा चिंता के विषय कॉटन के मामले में होने वाला है, एक क्या कितना लंबे समय तक इसका असर देखेगा, जो हमने प्रोडक्शन की आप कमी देख रहे हैं लगातार, क्या लंबे समय तक टिकने वाला है क्या? जी जी, क्योंकि कॉटन एक लंबे समय की फसल है, 150 से 180 दिन की फसल है, तो इसलिए इसको मौसम के मार का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। और आप अगर हिस्टोरिकली लास्ट 5 साल का जो रिकॉर्ड देखेंगे, तो जहां जहां रेन फेड एरियाज हैं उधर ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि वो पानी पे ही डिपेंडेंट है, और इसीलिए इंडिया को बहुत सावचेत रहना होगा यहाँ पे। और आप देखेंगे ब्राजील जो 100% प्रेसिशन फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ा था, और जिसका यील्ड एवरी ईयर 30-40% से बढ़ रहा था, वहां भी मार अभी पड़ी है, क्योंकि 100% रेन फेड कंट्री है। तो इस मुद्दे को ध्यान करना होगा कि जितना हम इरिगेशन को प्रमोट कर सके और जितना मौसम मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ हम जा सके, यही हमारे लिए सिक्योर फ्यूचर होगा। नहीं तो क्या भारत सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रह पाएगा इस बार? मतलब हमें क्या कॉटन को आयात भी करना पड़ सकता है? और अभी तक क्या स्थिति रही है, कितना भारत एक्सपोर्ट करता था, भारत का टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन कितना है भारत का कॉटन में? जी जी, भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 25% है, एरिया वाइज 37% है, पर प्रोडक्ट वाइज 25% कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड को है, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे भी है एरिया और लैंड के हिसाब से। दूसरा, एक्सपोर्ट में भारत करीबन 60 से 70 लाख गांठ एवरेज एक्सपोर्ट करता आ रहा है लास्ट 8-9 सालों से, गत वर्ष में सिर्फ 40 लाख गांठ एक्सपोर्ट हुई, तो एक फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी एक मार वाली बात है। तो कितना परसेंट गिरावट की आशंका आपको सता रही है? तो सर 5 साल के एवरेज के हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि एरिया बड़ा है, वो कुछ क्रॉप लॉस में कॉम्पेंसेट हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल का यील्ड हम देखते हैं, लास्ट ईयर का स्पेसिफिक यील्ड 450 kg पर हेक्टर से कम जाता है, वो यील्ड अगर बैठता है ढाई बेल पर हेक्टर का, तो हम वापस 320-325 पे आ जाएंगे, जो बहुत ही कम होगा। मनोज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे थे कि बाजार में लाता नहीं है किसान। नहीं, मैंने बोला कि बहुत सारा कपास किसान रख नहीं पाता है, लेकिन लास्ट ईयर एक बहुत डिफरेंट बात हमने देखी। हम जो छोटे किसानों को बोलते हैं कि आप एक साथ सब माल मत बेचो, आप थोड़ा थोड़ा करके बेचो, क्योंकि हर वक्त तो रोते रहते हैं हम
हमारे बेचने के बाद बाजार बढ़ती है। लास्ट ईयर किसानों ने खुद ही एक अपना एक रेगुलेटर लगा दिया, आप देखेंगे तो कोई भी एक दिन 2.5 लाख बेल से ऊपर की अरेवल नहीं बढ़ी, कितने भी भाव हो गए, 6,000 के 8,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए, उस दिन भी बाजार की अरेवल 2.5 लाख बेल के ऊपर एक दिन भी नहीं गई। तो किसान रेगुलेटेड लाया लास्ट ईयर, उसको जितनी जरूरत थी पैसे की वो हिसाब से लाया, वो हिसाब से उसको 2 पैसे ज्यादा मिले हर साल की वजह से, और ये आगे कर सकता है, बिकॉज अभी अगर बाजार गिरता भी है तो जो भाव किसान ने देखे हैं वो अभी अगर भाव सडनली कम हो जाते हैं तो गले नहीं उतरेंगे, तो फिर धीरे धीरे लाएगा। तो इस नए सिस्टम ऑफ इनफ्लो से हमें यूज टू होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मनोज जी, जो प्रोडक्शन के यील्ड की बात हो रही है, मनीष जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, यील्ड क्या आपको लग रहा है बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि भारत में यील्ड इतनी कम है? कुछ हमें कारण पता है क्या, क्यों इतनी यील्ड कम है? एकदम क्लियर कारण है। 2018-19 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुंबई में मैंने कहा था कि भारत एक कॉटन सरप्लस कंट्री है, और एक दिन इमेजिन करिए भारत में कॉटन कम पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हंस रहे थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता करके, क्योंकि हम तो किसानों से जुड़े तब से, मुझे जब से पिंक बॉलवर्म आया है भारत में तब से वो असर दिख रही है कि किसान जो हजारों सालों से कपास उगा रहा है वो कपास से मुंह फेर, 22,000 रुपया प्रति एकड़ का खर्चा था 2019-20 तक, वो अभी 35,000 रुपया प्रति एकड़ हो गया है कपास में, तो 50% से एक्सपेंस बढ़ गया है और सामने यील्ड कम हो रहा है। तो अगर भाव नहीं बढ़े तो कुछ नहीं होगा, तो किसान का पूरा दारोमदार भाव पे रह जाएगा अगर यील्ड नहीं बढ़ाया। तो यील्ड बढ़ाना है, सीड, सॉइल, वेदर, ये तीन चीजें हैं जो यील्ड बढ़ा सकती है। ऐसा फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आपसे शेयर करना चाहूंगा स्वतंत्र जी, के टेक्सटाइल मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों एक साथ एक ही मंच पे बैठ के ये सॉल्यूशन अभी ढूंढ रहे हैं कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, और इसके लिए जो मेन मुद्दा है सीड और डिजीज उसको कैसे हैंडल किया जाए, और कॉटन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए। मैं उनकी कोर कमेटी में हूं लकीली, इसलिए आपसे ये कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकता हूं कि आगे चल के इस पे काफी ठोस काम होता हमें दिख रहा है।